वेलकम टू पीटीएस डिवाइन तनुषा चैनल। तो आज हम बनाने जा रहे हैं पोस्ट एग करी। तो आइए इसे जान लेते हैं कैसे बनाते हैं। सबसे पहले एक फ्राइंग पैन में मैं 2 टेबलस्पून ऑयल डाल लूँगी। उसके बाद मैं उसमें 1 टीस्पून जीरा, 2 गोल मिर्च, 2 लौंग, छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का, 2 छोटी इलायची और 1 तेज़पत्ता डाल लूँगी। उसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा करी लीव्स, छोटे कटे हुए लहसुन को डाल लूँगी। 4 से 5 लहसुन को मैंने छोटा काट लिया है। उसके बाद मैं अदरक को भी बारीक काट कर डाल लूँगी। इसे अच्छे से मिला लें। उसके बाद मैंने 2 प्याज को बारीक काट कर डाल लिया है। इसे भी अच्छे से भून लें। प्याज के गोल्डन ब्राउन होने तक आपको उसको फ्राई कर लेना है। उसके बाद मैं इसमें 4 हरी मिर्ची को काट कर डाल लूँगी। इसे भी अच्छे से मिला लें। उसके बाद लीड को कवर करके 1 मिनट तक इसको भून पकने दें। तो अब हमारा प्याज का कलर बिल्कुल चेंज हो चुका है। तो अब इसमें मैं जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड कर रही हूँ 2 टेबलस्पून। इसे अच्छे से मिला लें। उसके बाद 1 मिनट के लिए मैं लीड कवर कर दूंगी। अब इसमें मैं 1.5 टेबलस्पून सॉल्ट के ऐड डाल रही हूँ। आप अपने स्वाद के अनुसार डाल लें। और 1 टेबलस्पून मैंने हल्दी का डाला है, 1 टेबलस्पून मैंने रेड चिली पाउडर डाला है और 1 टेबलस्पून मैंने इसमें गरम मसाला पाउडर डाला है। इसे अच्छे से मिला लें। मसाले को अच्छे से पकने दें। मसाले के अच्छे से भूनने के बाद इसमें मैंने टमाटर प्यूरे ऐड कर लिया है। मैंने 1 कप टमाटर प्यूरे ऐड किया है। टमाटर को भी अच्छे से पका लें मसालों के साथ। तो अब देख रहे हैं बाजू बाजू से तेल आ रहा है, यानी टमाटर भी हमारे अच्छे से पक चुके हैं। तो अब इसमें मैं टैमरिंड जूस डालूंगी, यानी इमली का रस डालूंगी। 1 कटोरी मैंने डाला है। अब इस मसाले को अच्छे से पका लेना है हमें। तो इसमें मैं कवर लगा के इसको 5 मिनट तक अच्छे से पका लूंगी। मसाला जितना अच्छा धीमी आंच में पकेगा उतना फ्लेवर आपका अच्छा आएगा करी का। तो अब लीड निकाल के देख लेते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि ऑयल साइड साइड से आ रहा है, मतलब हमारा मसाला बिल्कुल बनकर तैयार है। तो अब मैं इसमें 1 ग्लास पानी ऐड कर लूँगी। मैंने इसमें थोड़ा सा धनिया पत्ती ऐड किया है, जस्ट अ स्प्रिंकल किया है थोड़ा सा। अब मैं इसमें एग धीरे धीरे करके तोड़ के डाल लूँगी। लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि आपको एक ही जगह पर नहीं डालना है। देखिए मैं किस तरह से अलग अलग जगह पर एग को तोड़ के डाल रही हूँ। सेम इसी तरीके से आप भी अलग अलग प्लेस पे डालिएगा। अब मैंने 6 अंडे को यूज़ किया है। अब मैं इसमें थोड़ा सा ब्लैक पेपर ऐड कर दूंगी और उसके बाद मैं थोड़ा सा धनिया पत्ता स्प्रिंकल कर दूंगी। तो आप भी ज़रूर ट्राई करके मुझे बताइएगा इस करी को कैसी लगी आपको ये एग पोस्ट करी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।